हेलो दोस्तों, ग्रीट एंड ईट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव। ये एक वन डिश मील है जिसमें चावल, चिकन और सब्जियां सब एक साथ हम कुक कर रहे हैं। पुलाव बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो है एक कप बासमती चावल, एक आलू कटा हुआ, आधा किलो चिकन, एक प्याज कटा हुआ, आधा कप फ्रेश ग्रीन पीस, एक टमाटर कटा हुआ, 2 इंच अदरक का टुकड़ा कटा हुआ और 3 हरी मिर्च। अभी हमने इसमें आलू जो लिए हैं ना दोस्तों, उसके हमने छिलके नहीं निकाले हैं। आपको अगर छिलके पसंद ना हो तो आप निकाल दीजिए। दोस्तों, इसके अलावा हमें कुछ मसाले चाहिए, वो अब हम देख लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे हल्दी 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, जीरा धनिया पाउडर 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। इसके अलावा हम कुछ खड़े मसाले लेंगे, दालचीनी 2 इंच, चक्री फूल 1, मसाला इलायची 1, हरी इलायची 2, लौंग 4, काली मिर्च 7 से 8 और जावित्री 1 छोटा टुकड़ा। इसके साथ ही हमें चाहिए घी 4 टेबलस्पून, कोकोनट मिल्क 1/2 कप और पानी 1.5 कप। 1 कप चावल के लिए हमें 2 कप पानी चाहिए, तो कोकोनट मिल्क 1/2 कप और पानी 1.5 कप, यानी हमारे 2 कप लिक्विड तैयार हो गए हैं। अभी हम एक पैन को गरम करके उसमें घी डाल देंगे। जैसे ही घी थोड़ा गरम हो जाए उसमें हम डालेंगे हमारे होल स्पाइसेस। होल स्पाइसेस डालने के तुरंत बाद हम डालेंगे अदरक और हरी मिर्च। दोस्तों, अदरक का स्वाद घी में बहुत ही बढ़िया आता है। इस समय मेरा पूरा किचन इससे महक रहा है। दोस्तों, इस अरोमा से ही आपको भूख लगने लगेगी। बस थोड़ा इसे हम चला लेते हैं और अब हम डालेंगे इसमें प्याज। प्याज डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे। प्याज को हमको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा उसे सॉफ्ट होने देना है। जैसे ही प्याज थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट हो जाए उसमें हम डालेंगे कटे हुए आलू। दोस्तों, आलू को हमें थोड़ा चलाना है, बस 1 या 2 मिनट चला लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें चिकन। अब चिकन डालते ही हम आंच बढ़ा लेंगे और चिकन को अच्छे से तेज आंच पर भून लेंगे। इससे चिकन के जो जूसेस है वो अंदर ही लॉक हो जाएंगे। अगर तेज आंच पर नहीं भूनेंगे दोस्तों तो चिकन बहुत ही पानी छोड़ देगा। दोस्तों, 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार। अभी इस सारे चीज़ों को हम फिर से मिक्स करके फिर से अच्छे से चला लेंगे। मसालों के साथ हमें फिर से इसे 2 मिनट के लिए भून लेना है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर और फ्रेश ग्रीन पीस। अभी इन सब चीज़ों को हमें फिर से अच्छे से मिक्स करना है और चलाना है और उसके बाद 2 मिनट के लिए ढक के पकाना है। दोस्तों, 2 मिनट में टमाटर थोड़ा सा गल जाएगा। अब हम डालेंगे इसमें फ्रेश कोकोनट मिल्क और पानी। दोस्तों, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक के उबाल आने देंगे। उबाल आते ही हम इसमें डालेंगे चावल जो हमने भिगो के रख दिए थे और चावल डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और अब हमें आंच एकदम धीमी कर लेनी है और इसे ढक के पकने देना है। दोस्तों, एक बार हम बीच में चावल चेक कर लेंगे। कभी कभी अगर चावल पुराने हो तो उसे पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो इस हिसाब से आप पानी एडजस्ट कर लीजिए। लीजिए दोस्तों, हमारा पुलाव अब तैयार है।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।